से निकम्मा भेड़िया कहीं नहीं देखा। हाँ, पर अगर वो डाली नहीं टूटती तो मैं बच जाता। उल्टी हवा में दौड़ना, अपनी टोली से अलग भागना, अगर तुम सबके साथ नहीं रहोगे तो किसी का नाश्ता बन जाओगे एक दिन। कैसा रहा? तो इस तरह तो कभी अच्छा भेड़िया नहीं बनेगा। जल्दी चलो, छोटी तक दौड़ लाते हैं। मैंने सही रास्ता लिया था। भेड़िए पेड़ों में नहीं छुपते। मैं उनकी तरह नहीं भाग सकता। मैंने कोशिश की थी बगीरा, पर उस पेड़ ने धोखा दे दिया। वो सूखा हुआ पेड़ था। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पेड़ सूखा हुआ है? अंजीर की बेल नहीं दिखी? बेलें पेड़ों से लिपट कर उन्हें कमजोर कर देती हैं, सुखा देती हैं। ये बातें भेड़िए को पता होनी चाहिए। हाँ, अगर वो डाल नहीं टूटी होती तो मैं बच गया होता। माना कि तुम पैदाइशी भेड़िए नहीं हो, पर कम से कम कोशिश तो कर सकते हो। बरसों पहले जब वो मुझे जंगल में मिला तब वो नन्हा सा था, लावारिस। जिंदा रहने के लिए उसे अपनों की जरूरत थी जो उसकी देखभाल कर सके, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैंने भेड़ियों को दी। सबल रहो साथियों। अकेला भेड़ियों का नेक और इंसाफ पसंद मुखिया था। उसने मोगली को बरसों तक अपनी टोली में रहने दिया, मगर मुश्किल ये थी कि भेड़ियों के बच्चे फुर्ती से बड़े हो रहे थे और मोगली उसे बड़ा होने की कोई जल्दी ही नहीं थी। मोगली, मुझे ऊपर उठाना, अब मेरी बात नहीं। उसे रक्षा ने पाला, माँ के नाम पर वो सिर्फ उसे ही जानता था। चलो खेलते हैं। जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं है। चलो ना, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। चलो चूहे पकड़ते हैं। कैसा रहा? दोबारा पकड़ा गया मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम सीख जाओगे। आओ दोहराए हमारा कानून, जंगल का ये कानून है, अंबर सा अटल और सच्चा। जो माने वो भूले पले, जो तोड़े वो मर जाए पक्का। जैसे पेड़ों में वृक्ष है, जंगल कानून में लिपटा। हर भेड़िए की ताकत ये झुंड है, और झुंड की ताकत हर भेड़िया।